आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाई डू वी नीड टू मेजर इट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्यों है और हम उसको मेजर क्यों करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कोई आप टास्क कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने में, या उसको, या कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको कितना डिफिकल्टी आ रही है, कितना हार्ड है उस चीज़ को कर पाना, या कितना मुश्किल है उस चीज़ को कर पाना। कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और आपकी वोकैब और जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, यही सेम टास्क किसी के लिए हो सकता है ईजी। कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी कॉन्टेक्चुअल। सो फॉर समवन सम प्रॉब्लम और गोल मे बी ईजी देन अदर्स। किसी के लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ईजी हो सकती है और किसी के लिए वही सेम प्रॉब्लम जो है डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है और आपके पास उसको करने की कैपेबिलिटी या स्किल कैसा है। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो ज़रूरी स्किल है या कैपेबिलिटीज जितनी चाहिए वो है, तो आपके लिए वो ईजी होगी, अदरवाइज ईजी नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी मीज़र क्यों करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मीज़र करने का जो मेन पर्पस है वो है इफ़िशेंसी मीज़र करना, राइट। आप चाहते हैं कि कोई भी, आप हमेशा इफ़िशेंटली काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट सपोज़ आप ट्रैवल करना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपको पता है कि आप साइकिल से नहीं जा सकते, आपको एक मोटर व्हीकल चाहिए, राइट। कार से जाएंगे या कैसे, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो फिर उसके लिए फ़्लाइट्स ही ज़्यादा इफ़िशियंट मीडियम है जाने के लिए, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मीज़र की जाती है ये पता करने के लिए कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो इफ़िशियंट है या नहीं है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्प्रिंटर है, राइट, रनिंग करता है वो, तो उसके लिए 100 मीटर्स जो है ईजी टास्क है। 15 सेकेंड में उसके लिए 100 मीटर्स दौड़ना ईजी टास्क है। बट एक ऐसा नॉर्मल पर्सन, उसके लिए शायद ये टफ हो क्योंकि वो उसके लिए ट्रेन नहीं है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कुछ पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं और कुछ कुछ जो हैं वो उतनी बेटर नहीं है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी के जो के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक, अप्रोच या कुछ भी जो सिस्टम है पर्टिकुलर, वो बेटर है या नहीं है। अब बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। तो एल्गोरिथम्स अगर हम कर रहे हैं, उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है पी, उसके लिए दो एल्गोरिथम्स हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है। अगर ए जो है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पी को सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो एल्गोरिथम ए की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम बी जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईजिली कर पा रहा है, उसकी डिफ़िकल्टी उतने फेस नहीं हो रही है, तो बी जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है लो है और वो बी जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है ए से, ठीक है। तो अगर हम प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी आपको किसी एल्गोरिथम्स को डेवलप करने में कितना डिफिकल्टी हो रही है, नहीं, वो एल्गोरिथम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना डिफिकल्टी फेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है या उसकी इफ़िशेंसी जो है वो हाई है। इसके लिए दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं, एक है टाइम और दूसरा है मेमोरी। मेमोरी या स्पेस, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी जब भी मीज़र करते हैं हम लोग दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मीज़र करते हैं। एक तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम से मतलब होता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम ले रहा है पर्टिकुलर टास्क को करने में, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा है। अब टाइम को दो तरीके से मेज़र किया जा सकता है। आपने एल्गोरिथम डेवलप किया और उसको रन कर दिया सिस्टम पे, और उसके बाद आपने नोट कर लिया कि इस इतने इतने टाइम के बाद ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप चाहें तो बहुत सारे मल्टीपल इटरेशंस कर सकते हैं सेम प्रोसेस के, और जो एवरेज टाइम है उसको हम मान लेते हैं कि इस एल्गोरिथम को इतना टाइम लगता है इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। पहला तो ये कि
किसी एल्गोरिथम या एल्गोरिथम से जो जो भी प्रोग्राम है उसको जब आप किसी सिस्टम पे मशीन पे रन करेंगे तो वो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए लो प्रोसेसिंग पावर सिस्टम है राइट, और उसको आप उस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम को अगर सेम एल्गोरिथम को हम एक हाई प्रोसेसिंग पावर सिस्टम पे अगर एग्जीक्यूट करें तो हो सकता है वो उसको कम टाइम में कर ले। तो इसमें एक प्रॉब्लम है वो ये कि ये जो टाइम है एब्सोल्यूट टाइम जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम पे, किस सिस्टम पे आप उस एल्गोरिथम को रन कर रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी जो आपके मशीन की कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ेगी, एग्जीक्यूशन टाइम लो होगा, ठीक है। और हम लोग बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, जो कंप्यूटर्स हैं वो होमोजीनियस नहीं है, उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो होमोजीनियस नहीं है, वो अलग अलग है आपके पास हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम्स पुराने होते जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक फैक्टर है। इसीलिए हम मशीन डिपेंडेंट जो है वो नहीं रखना चाहते जो अपना कॉम्प्लेक्सिटी मीजरमेंट है। दूसरी चीज होती है साइज, प्रॉब्लम का साइज भी इम्पैक्ट करता है कि कितना टाइम लगने वाला है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर मैं 100,000 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ तो हो सकता है कि वो एक सिस्टम पे 1 सेकेंड ले, और सेम सिस्टम पे अगर मैं 1,000 एलिमेंट्स को सॉर्ट करूँ तो वो 10 नैनो सेकेंड ले, सेम एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर। तो हमारा जो टाइम है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, पहला तो प्रॉब्लम का साइज क्या है और दूसरा जो है वो किस मशीन पे आप रन कर रहे हो। हमारा जो ओवरऑल फोकस है वो है मशीन इंडिपेंडेंट जो है कॉम्प्लेक्सिटी मीजर करना, राइट, ताकि जो हमको एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम चाहिए जो मशीन के ऊपर ना डिपेंडेंट हो। दूसरी चीज़ होती है मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी मीज़र करना। मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मीज़र करने के लिए सेम चीज़ है कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट होने के टाइम कितना स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है ताकि वो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन करे, तो वो होता है आपका मेमोरी, राइट, वो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब अगर हम मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी को एब्सोल्यूट मेमोरी जो रिक्वायरमेंट है उससे मीज़र करें कि उसको हम किसी भी प्रोग्राम की मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी को वही बोलेंगे जो उसको जितनी उसको मेमोरी लगती है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि प्रॉब्लम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सिस्टम्स में डिपेंड करता है कि हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम्स पे आप सेम एल्गोरिथम सेम इनपुट साइज के साथ रन करें तो मेमोरी स्पेस भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ये चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत होंगे। टाइम एंड मेमोरी फॉर एन एल्गोरिथम आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। When we talk about size of problem, we mean by number of input points passing to the algorithm, right? How many input points are passing to the algorithm? Algorithms में input points कितने जा रहे हैं, right? और intermediate results इन सब को save करने के लिए भी उसको space की ज़रूरत पड़ती है। तो जो memory है वो depend करती है आपके input size पे, ठीक है। उसके अलावा जो internally वो space कितनी consume कर रहा है intermediate results के लिए और एग्जीक्यूशन के दौरान। तो फॉर एग्जांपल एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो उसमें डिपेंड करता है जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि कितने एलिमेंट्स को वो सॉर्ट करने जा रहा है। तो एरे का जो साइज है वो उस पर डिपेंड करता है, उसको कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स लगेगी। दूसरी चीज़ एक सिमिलर प्रॉब्लम है सर्चिंग के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं, अगर आप ग्रिड में कुछ सर्च कर रहे हो तो इसमें इसका जो डायमेंशन है एम क्रॉस एन है, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट जो है m इंटू एन, तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीजर करना और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी मीजर करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है इनपुट साइज। तो इनपुट साइज के ऊपर हमारा टाइम और स्पेस जो है वो दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनपुट साइज को जो है जो हमारा इनपुट साइज है वो इनपुट साइज जो है वो इनपुट साइज का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है ये वो डिपेंडेंट है आपके इनपुट साइज पे। सिमिलरली स्पेस
कि जो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इनपुट साइज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो तय हो गया कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंडेंट है इनपुट्स के ऊपर, और ये जो एक फंक्शन है वो इनपुट का फंक्शन है, राइट, आपका नंबर ऑफ इनपुट्स का एक फंक्शन है। सिमिलरली जो स्पेस है, ठीक है, सिमिलरली जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी डिपेंडेंट है इनपुट साइज के ऊपर। बट ये एक्चुअल में फंक्शन क्या है, राइट, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि ये एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या ये एक्स स्क्वायर है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या एक्स प्लस वन है, राइट। तो ये फंक्शंस कैसे आएंगी, इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, जब मेरे पास डेटा पॉइंट्स होंगे, यानी कि वाई और एक्स की कुछ वैल्यूज हों, है ना, जब मेरे पास कुछ वाई की वैल्यूज होंगी वाई और एक्स की, तब तो मैं उनको प्लॉट करके एक फंक्शन जो है वो ट्रेस कर पाऊंगा और फिर मैं बता पाऊंगा कि हाँ ये फंक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, क्या एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप टाइम मेजर करेंगे, अगर टाइम मेजर करेंगे तो वो कहाँ मेजर करेंगे, फिर अगेन बात यही आ जाती है कि फिर से मुझे क्या करना होगा, वो टाइम मेजर मेरा फिर से अगेन किसी कंप्यूटर सिस्टम पे मेरे को प्रोग्राम अपना चला के या एल्गोरिथम रन करके फिर जो टाइम आएगा वो मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो फिर से प्रॉब्लम यही हो रही कि मैं इसे मशीन इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन वापस से मुझे मशीन पे वो डेटा पॉइंट्स जाके निकालने पड़ेंगे, तो फिर से उस पे ही डिपेंडेंसी आ गई है। सेम केस मेमोरी के लिए भी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कैसे जो है ना मशीन से इंडिपेंडेंट बनाए। ये पावर पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट तो मशीन से हम अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसको हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इस सीरीज़ का, उसमें हम बताएंगे कि कैसे जो है स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मशीन से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर है या उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो मेजरमेंट है वो कैसे मशीन इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और कैसे सिर्फ ये प्योरली जो है वो इनपुट साइज पर बेसिस होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।